मैं आज आप अपने 1 करोड़ वाले फ्लैट पे आई। कहाँ पर है मैडम? इसी बिल्डिंग में ऊपर। 1 करोड़ जो आप बोलते हैं, मेरे 1 करोड़ का फ्लैट है। हाँ, इसी में है? इसी बिल्डिंग में ऊपर। ओए तो भाई बहुत पॉश एरिया भाई, 1 करोड़ का फ्लैट है मैडम का इस बिल्डिंग में। मैडम शादी की रिक्वायरमेंट देखो मेरी सिर्फ इतनी है, मुझे करनी है शादी और लड़का कैसा भी हो मतलब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मैडम, कितनी भी एज हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी एज है 19 और लड़का ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी जरूरतों को पूरी करे, मुझे प्यार करे और टाइम स्पेंड करे मेरे साथ। उम्र आपकी क्या है मैडम? मेरी सिर्फ 19 साल। तो मैम जिस लड़के की शादी होगी उसको क्या क्या मिलेगा ये बताओ। उस लड़के को मेरा फ्लैट, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा गोल्ड, मतलब सब कुछ मिलेगा उसे। लड़के की मम्मी और बहन के लिए बनवाया जी, वो भी मैं उन्हें दूंगी। अरे भाई क्या बात है, मतलब लड़के की जो मम्मी बहन यानी कि इनकी ननंद जो होगी और उनकी सास जो होगी उनके लिए भी गहने बनवाए हैं सोने के जो कि मैडम उनको देंगी। लड़का जो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा शादी के लिए वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? वो कमेंट में जो 100 स्टार कंपल्सरी है। अच्छा 100 स्टार भेजो, 100 और 100 स्टार। हाँ 100 स्टार भेजो, वो भी इनबॉक्स में से वाले स्टार नहीं चाहिए। हाँ, मुझे मुझे स्टार चाहिए जो आपका यहाँ गिव लिखा हुआ है ना कमेंट के, यहाँ ये गिव वाले स्टार चाहिए मुझे 100। हाँ, और मेरे ख्याल से तो ये 100 स्टार भेजना आपके लिए मामूली बात है, मुझे शादी करनी है या कुछ भी तो आप मेरे लिए 100 स्टार भेज सकते हो। भाई आज फिर से मैडम ने बुलाया। मैडम मैडम पैसा रखने लग रही है, मैडम के पास पैसे की कमी नहीं है भाई। हेलो मैडम कैसे हो? ठीक हूँ मैं बिल्कुल, आप सही टाइम पे आ गए, मैं बिल्कुल जाने ही लग रही थी। अच्छा, बिल्कुल सही टाइम, मैं ऐसे टाइम पे आता हूँ मैडम जब इंसान जाता होता है। गाड़ी की चाबी लगा दी और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी मैंने। कोई बात नहीं। अच्छा मैडम आप बैठे रहे, कोई इशू नहीं है। अच्छा मैडम बताइए कि आज आपने फिर से क्यों याद किया? आज मैंने इसलिए याद किया आपको कि पहली बात तो आप फ्लैट कर दी कि आपका 1 करोड़ का फ्लैट कहाँ है, कौन सा है। ये मैडम ऐसे कर देता हूँ गाड़ी थोड़ी सी ना। जी जी जी, आपका फ्लैट कौन सा है कहाँ है? तो मैं आज आप अपने 1 करोड़ वाले फ्लैट पे आई हूँ। कहाँ पर है मैडम? इसी बिल्डिंग में ऊपर। 1 करोड़ जो आप बोलते हैं, मेरे 1 करोड़ का फ्लैट है। हाँ, इसी में है? इसी बिल्डिंग में ऊपर। ओए तो भाई बहुत पॉश एरिया भाई, 1 करोड़ का फ्लैट है मैडम का इस बिल्डिंग में। हाँ, तो भाई मैडम फिर इस 1 करोड़ के फ्लैट को क्या आप क्या मतलब किसको देने वाले हो या शादी? जिससे मेरी शादी होगी मैं उसको देने वाली हूँ। अच्छा शादी शादी की रिक्वायरमेंट बता दो मैडम। शादी की रिक्वायरमेंट देखो मेरी सिर्फ इतनी है, मुझे करनी है शादी और लड़का कैसा भी हो मतलब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मैडम, कितनी भी एज हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी एज है 19 और लड़का ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी जरूरतों को पूरी करे, मुझे प्यार करे जी और टाइम स्पेंड करे मेरे साथ। मतलब बेसिकली आपको एक परफेक्ट बंदा चाहिए जो एक शादी के बाद इंसान होता है जो हर एक लड़की चाहती है ना। अच्छा मैडम उसकी उम्र क्या होगी? उसकी उम्र चाहे कुछ भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जात का हो मेरे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बस बंदा सिर्फ ऐसा हो जाए जो मेरी जरूरतों को पूरा करे, मेरे को समझे। उम्र आपकी क्या है मैडम? मेरी सिर्फ 19 साल। तो मैडम जिस लड़के की शादी होगी उसको क्या क्या मिलेगा ये बताओ। उस लड़के को मेरा फ्लैट, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा गोल्ड, मतलब सब कुछ मिलेगा उसे। गोल्ड किसके लिए? मतलब लड़कों को? लड़के को भी मिलेगा और जो मैंने लड़के की मम्मी और बहन के लिए बनवाया वो भी मैं उन्हें दूंगी। अरे भाई क्या बात है, मतलब लड़के की जो मम्मी बहन यानी कि इनकी ननंद जो होगी और उनकी सास जो होगी उनके लिए भी गहने बनवाए हैं सोने के जो कि मैडम उनको देंगी। मैडम क्या बात है, मतलब दिल छू लिया आपने तो ऐसी बातें करके। वैसे मैडम के भाई नेचर बहुत प्यारा है, मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे नेचर की और बहुत पैसे वाले लोग हैं भाई, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। आपके पापा ने परमिशन दी हुई है ना आपको? हाँ मेरे पापा ने मुझे फुल परमिशन दी हुई है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से। वो तो बल्कि यही कहते हैं कि फटाफट अपने लिए लड़का देखो, शादी वादी करो। भाई आपकी बहन एक दुबई में जो कि दुबई के सारे क्लब वगैरह संभालती है, वो भी तो एक लड़का लेके गई हुई ना जो हमारी वीडियो के थ्रू मिला था ना। कब तक आ जाएगी मैडम? अभी उसका आने का कोई प्लान नहीं है, मैं उसको बोल रही हूँ कि आ जा, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन घूम ली पर उसका अभी तक कोई प्लान बन नहीं रहा है। चलो जब भी आएगी ना मैडम प्रॉमिस करोगे मुझे जरूर बुलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वीडियो शूट हो सकता है आने वाली वीडियोस में हम दोनों भी साथ में ही दिखे। अच्छा अच्छा दोनों है। हाँ, अरे वाह भाई बहुत अच्छा लगेगा मैडम आप दिखोगे तो। अच्छा मैडम एक चीज और बताओ कि लड़का जो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा शादी के लिए वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा आपसे? वो कमेंट में जो 100 स्टार कंपल्सरी है। अच्छा 100 स्टार भेजो, 100 और 100 स्टार। हाँ 100 स्टार भेजो, वो भी इनबॉक्स में से वाले स्टार नहीं चाहिए। हाँ, मुझे मुझे स्टार चाहिए जो आपका यहाँ गिव लिखा हुआ है ना कमेंट के, ये गिव वाले स्टार चाहिए मुझे 100। और मेरे ख्याल से तो ये 100 स्टार भेजना आपके लिए मामूली बात है, कुछ भी नहीं होता मैडम। 100 स्टार तो नॉर्मल है, 100 स्टार तो शायद अगर आप मतलब मेरे से कुछ भी मतलब जो भी है मुझसे शादी करनी है या कुछ भी तो आप मेरे लिए 100 स्टार भेज सकते हो। लो भाई, और 100 स्टार भाई सब कुछ भी नहीं होते, फेसबुक आपको देता है ये वाला। 100 स्टार मुझे कंपलसरी इसलिए चाहिए ताकि आपका जो कमेंट है ना वो हाईलाइट हो जाए। अगर आप 100 से ज्यादा भेज रहे हो ना तो वो भी आपके लिए अच्छा है कि आपका जो कमेंट है हाईलाइट तो होएगा होएगा। हाँ, हाँ। साथ में अगर आप 100 से फालतू भेज रहे हो तो वो आपका कमेंट ना कई घंटों तक हाईलाइट ही रहेगा। तो मतलब मैडम का कहने मतलब है कि
अगर स्टार आप 100 भेजोगे ना तो 100 से क्या होता है फेसबुक हाईलाइट कर देता है 100 तक 100 पे हाईलाइट कर देगा, और 100 से ज्यादा भेजोगे तो आपका कई घंटों तक हाईलाइट रहेगा और मैडम को दिख जाएगा, मैडम बुला लेगी, फिर उसके बाद भाई मैडम के ठेके प्रॉपर्टी सब कुछ जो इनका है वो उनका है, उनके पेरेंट्स वगैरह ने इनको बोला हुआ कि बेटा जो तुम्हें दिल करे तुम करो, तुम इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, है ना। तो भाई मैडम मजा आ गया है। और अच्छा मैडम एक चीज बताओ, जो लड़का आप पसंद करोगे उसको बुलाओगे, उसका सारा खर्चा पानी आने से लेके जाने तक का सारा खर्चा वर्चा, रहने का खाने पीने का सब मेरा। अरे वाह, सब कुछ मेरा। अरे वाह, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं लिया। और हाँ सर, हमारे नाम पे एक फ्रॉड भी चल रहा है जी, जो कि ये बोला गया कि मैं या फिर हमारे कैमरा वाले सर हम किसी से पैसा मांग रहे हैं। जी जी जी। भाई देखो, हमने आज तक कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, ना तो मैंने ना हमारे कैमरा वाले सर ने, बल्कि आज तक सबको दिया ही दिया। बिल्कुल मैडम, भाई अगर कोई आपसे मांगता है तो फ्रॉड है, मांगता है तो वो फ्रॉड है। और अगर आप देते हो तो हाँ। उसके जिम्मेवार आप लोग खुद हो, हम नहीं है उसके जिम्मेवार, क्योंकि हम किसी से मांगते ही नहीं, एक रुपया भी नहीं मांगते हैं ना। ठीक है मैडम, बहुत अच्छा लगा मैडम, तो फिर मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये 100 स्टार कंपलसरी पहली बात तो। अच्छा मैडम, ये जो 1 करोड़ वाला फ्लैट है ये भी लड़के को मिलेगा? सब कुछ लड़के को मिलेगा। जो आपका वो उसका हो जाएगा, सब कुछ। बस अच्छा इंसान होना चाहिए। हाँ। सब ठीक है मैडम, मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। हाँ, और भाई 100 स्टार कंपलसरी है, और भाई 100 स्टार भेजोगे पैसा भी मिलेगा। मैडम के पास भाई पैसा तो अंधा धुंधा है, कभी डैशबोर्ड में पड़ा रहता है, कभी यहाँ पड़ा रहता है, कभी यहाँ पड़ा रहता है। चलो भाई अच्छी बात है मैडम, तो मैडम मैं शेयर कर दूंगा, और 100 स्टार लोग भेजेंगे तो प्लीज आप देख लेना, रिक्वेस्ट है। हाँ। आप उनसे पर्सनल बात कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर कमेंट करोगे तो, देखो बहुत सारे कमेंट होते हैं, मैं कमेंट पढ़ नहीं पाती हूँ, तो प्लीज आप ये जो गिव वाला स्टार है ना, ये 100 स्टार जरूर भेजे, ताकि मैं इसको देख पाऊँ और मैं पढ़ पाऊँ। ठीक है मैडम। मैडम आपके पास BMW कार भी थी, वो कहाँ पर है? वो आज पापा लेके गए हुए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैडम की कार दिखा दो। ठीक है मैडम, मैं शेयर कर दूंगा, मैं मिलता हूँ, आप जाइए ना। मैडम की गाड़ी दिखा देता हूँ दूर से, कितनी दूर तक देखो, मुझे कहाँ आना पड़ रहा है। अरे बाप रे बाप, कितनी लंबी गाड़ी है। ठीक है मैडम, ओके बाई।